अविनाशी भी जानना चाहेंगे कि जितने भी पक्ष हैं, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो चाहे सरकार का पक्ष हो, आज हिंदू सेना भी कोर्ट पहुंच गई थी, क्या ये सारे पक्ष हैं, इन सभी को 19 तारीख को सुना जाएगा या ये भी डिसाइड हो सकता है कि कब किस पक्ष को सुनेंगे? जी देखिए, अगर बात करें तो इसमें जो पक्ष रखे गए हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार अपना पक्ष रखेगी, मुस्लिम पक्ष रखेगी और हिंदू पक्ष रखेगी। और इसके अलावा जो वाराणसी में जो तमाम सारे वादी हैं, यानी जिन्होंने याचिकाएं डाली है, उनके वकील को भी प्रस्तुत होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है कि नहीं, वकील जितने भी वादी हैं जिन्होंने वाराणसी कोर्ट के अंदर अपनी अपनी याचिकाएं डाली हैं, चाहे वो मुस्लिम पक्ष के हों चाहे वो हिंदू पक्ष के हों, वो सुप्रीम कोर्ट में आके अपने वकील के जरिए अपनी बात रख सकते हैं। यानी कि जो वाराणसी कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, जिन हिंदू पक्ष के लोगों ने याचिकाएं अपनी डाली है, जिन मुस्लिम पक्ष के लोगों ने अपनी याचिका डाली, वो सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील की ओर से बता सकते हैं कि वाराणसी कोर्ट में उन्होंने ऐसी याचिकाएं क्यों डाली है, क्यों ऐसी याचिकाओं की जरूरत है, क्या उनकी याचिकाओं पर सुनवाई अब तक हुई है, क्यों ये आगे आदेश इस तरह जरूरी है जो वाराणसी कोर्ट का आया, या फिर क्या यथास्थिति को बरकरार रखा जाए। तो इन तमाम सही चीजों को लेकर के जीरा अब 19 तारीख को होगी, लेकिन इसमें 5 लोगों को स्पष्ट तौर पर कहा गया कि वो अपनी बातें रख सकते हैं। खासतौर से अगर बात करें तो आज जिस तरीके से वकील हुज़ैफ़ा अहमदी इस्लामिया मुस्लिम कमेटी की ओर से पक्ष रख रहे थे, वो अपना पक्ष रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रखेंगे। इसके अलावा हिंदू पक्ष की ओर से वकील हरिशंकर जैन अपना पक्ष रखेंगे। और जो वाराणसी कोर्ट में जितने भी वादी हैं, वो अपने वकील के जरिए चाहे तो पक्ष रख सकते हैं। तो अब देखने वाली बात महत्वपूर्ण होगी कि जब सुनवाई होती है 19 मई को, तो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे चीज में क्या चाहती है, क्योंकि सरकार का पक्ष काफी महत्वपूर्ण होता है, चाहे जिस पक्ष की ओर हो, चाहे वो हिंदू पक्ष की ओर हो, चाहे वो मुस्लिम पक्ष की ओर हो। तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो जवाब आएगा वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार है और सरकार क्या चाहती है, तो सरकार का जो जवाब सुप्रीम कोर्ट में होगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा। तो इसीलिए अब सबसे महत्वपूर्ण परसों का दिन हो जाता है, जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी दलीलें रखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार की बातों को रखेंगे, और हिंदू पक्ष के वकील के रूप में हरिशंकर जैन जब अपनी बातें रखेंगे, तो वो तमाम सारी बातें जब होगी तब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट फिर क्या कुछ अपनी ओर से डायरेक्शन देता है। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट क्या डायरेक्शन देता है देखने वाली बात होगी, और 19 तारीख को फिर से सुनवाई होगी। तो महत्वपूर्ण दिन 19 तारीख का भी है, क्योंकि जो सरकार की तरफ से वकील है वो भी पहुंचेंगे ज्यादा जानकारी लेकर। इसके अलावा हिंदू सेना ने भी याचिका लगाई, वो भी पहुंचेंगे, और निश्चित तौर से जो मुस्लिम पक्ष है वो भी अपनी तमाम दलीलों को लेकर पहुंचेगा। लेकिन अविनाश, जो आपके आज का जो निर्देश आया है, उसमें वाराणसी कोर्ट के लिए क्या क्या निर्देश हैं? क्योंकि एक बात तो ये सामने आई कि नमाज पर रोक नहीं लगाई जाएगी, दूसरी आई कि जो शिवलिंग है उसको सुरक्षा, शिवलिंग के स्थान को सुरक्षा दी जाए, तीसरा ये कहा गया कि सारा निपटारा वाराणसी सिविल कोर्ट भी कोर्ट ही करेगा। इसके अलावा भी कोई डायरेक्शन है क्या सिविल कोर्ट वाराणसी के लिए? जी देखिए, आदेश में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का जो आज का डायरेक्शन है, स्पष्ट डायरेक्शन है, उसको मैं दोहराना चाहता हूँ। अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो वाराणसी कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है उस पर किसी तरीके की रोक नहीं लगाएगी। यानी कि वाराणसी कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी ओर से कोई भी निर्देश नहीं दिया है, कोई भी आदेश नहीं दिया। वाराणसी कोर्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ भी नहीं कहा है बतौर आदेश में। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो वाराणसी कोर्ट का आदेश आया था कि केवल 20 व्यक्ति ही जाकर नमाज अदा कर सकते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया है। तो अब जितने भी व्यक्ति जाकर नमाज अदा करना चाहें वो नमाज जाकर अदा कर सकते हैं, ये एक बात हुई। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि अगर शिवलिंग वहां पे मिला है तो उसकी पूरी तरीके से रक्षा वाराणसी के जिलाधिकारी करें, जिस तरीके से उनको सुरक्षा चाहिए उस तरीके से सुरक्षा करके वो वाराणसी के जिलाधिकारी वहां पे ये सुनिश्चित करें। तीसरी अगर सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो जिस तरीके से अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से ये कहा कि 19 मई को वो सुनवाई करेगा। यानी कि इसमें दो बात काफी महत्वपूर्ण है, खासतौर से पहली बात कि वाराणसी कोर्ट को कोई भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से नहीं दिया है। मैं ये फिर से दोहराना चाहता हूँ कि वाराणसी कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग है, ना तो उस पर कोई रोक लगाई गई है, ना तो उस पर किसी तरीके से कोई आदेश दिया गया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से स्पष्ट कर दिया है। दूसरी बात, आज की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो वाराणसी कोर्ट का निर्णय था कि केवल 20 व्यक्ति ही जाकर नमाज अदा कर सकते हैं, उसको खत्म किया है। उसको अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से आदेश दिया है कि जितने भी व्यक्ति जाकर चाहे नमाज अदा कर सकते हैं।